गाइस मैं नहा के आ चुका हूँ सुबह सुबह, तो मैं अभी आप लोग को जो शंख है वो दिखाता हूँ कैसे क्लीन हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है? आप लोग को विश्वास होगा कि सच में ये हैक काम करता है, ठीक है? तो गाइस देखो, थोड़ा ब्रश मारने के बाद पूरा व्हाइट हो गया। देखो पूरा नया हो गया, लग रहा है आज ही दुकान से खरीद के लाया। ये पार्ट नहीं जाएगा गाइस, वो तो चुना, ये व्हाइट चुना लगा था ना वो लोग, इसीलिए वो नहीं जाएगा। उसको पता नहीं क्या चीज लगा के उसको ऐसे बना दिया। इस पूजा वगैरह खत्म करके मैं आ चुका हूँ अभी किचन में, अभी वैसे निकलूंगा ऑफिस के लिए, तो मिलो यहाँ पे मेरी नानी से। वो देख मेरी नानी आज सुबह सुबह आके पहुँच गई है। तो गाइस नानी आ गई है, खाना बना रही है, और उनका जो रोजो वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा हुआ, बैठ के झूला झूल रही थी, तो बोल रही है कि उसमें मैं बहुत अजीब दिख रही थी, क्यों डाला वो वाला वीडियो। तो जो भी हो, यहाँ पे देखो खाना बना रही है, आज मछली बना रही है आके। अच्छा झोड़ा बनाऊँ आम बहु आसी की। Four hours later. काम हो गया खत्म, और पापा ने दी थी बहुत सारा आम केला क्योंकि नानी आई है, तो इसीलिए। तो चलो घर चलते हैं, बहुत ऊपर है, घर चल के मैं आप लोगों से मिलता हूँ। देखो आज मेरे लंच में है चिकन बिरयानी, ठीक है, वो भी साउथ इंडियन स्टाइल में, ठीक है, और उसके साइड में है दही, दही प्याज का रायता, ठीक है। तो डाइट गया भाड़ में, मैं चला बिरयानी खाने। शाबाश। नहीं गाइस इतना नहीं खाने वाला, इसमें से आधा निकाल दिया जाएगा, मम्मी ने निकाल दिया था प्लेट में, तो मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद खाऊंगा। मैं बस एक ही पीस खाऊंगा, ऐसा भी राक्षस नहीं हूँ मैं कि पूरा खा लूँ, ठीक है। गाइस देखो मेरी नानी क्या खा रही है, माछा झोड़ा, माछा बिहाना, आलू झोड़ा, है ना, फिश का करी है, राइस है, मैंगो है, और उसके साथ पोई साग जो कि मेरे गाँव से आया है, नानी लेके आई थी, उसमें चिंगड़ी डाल के बनाया गया है, चिंगड़ी एंड फिश का हेड डाल के बनाया गया है। माछा मुंडा दी आई थी देखो। देखो मैक्सू कहाँ सोया है, नानी के पास, जब से नानी आई है नानी के पास ही घूम रहा है। अरे वो कैसे सो के कर रहा है, देखो वो एक उंडे इधर ही सो उन तक आखी मिट्टी मिट्टी कर दी, चुट्टी उड़ा पसी हो जुले आखिर आखी मिट्टी मिट्टी कर दी, धरिकी सो ধরিক সো তো জানি পারে গাই ভেড়া বাছুরি ভেড়া লাগি আমার হাত পকাউনু এইটি পকা দেখি ভাগ্য লাগি কোনি হচ্ছিল লোকুনি এ বউ মুন্ডর বসি হবে গাইস রোহন ম্যাক্সু কে সর মে জুয়া ঘুসা রা হ্যায়। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, और मैं निकल रहा हूँ मूवी देखने के लिए, तो रात का शो है, 8:10 पे शो है, तो मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ। और मूवी का नाम क्या है, कौन सा मूवी देखने जा रहा हूँ, आप लोग गेस करो, मैं नहीं बताऊंगा अभी मूवी का नाम, ठीक है, और जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन सा मूवी है, तब तक आप लोग गेस करो, और मूवी कैसा है, क्या देखना चाहिए कि नहीं, मैं सब कुछ रिव्यू दूंगा, देख क्या नहीं, बट ठीक है, तो बने रहो ब्लॉग पे, देखते रहो। 2 वाला है ना, चलो चलते हैं, और क्या, उस तरफ जाना है ना। तो गाइस मैं भी घर आ चुका हूँ, मुझे मूवी देख के मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया, कॉमेडी प्लस हॉरर था, और बहुत सारे नए नए एक्टर एंड एक्ट्रेसेस थे जो कि बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना किरदार निभाया है, प्लस इसमें मोना सिंह थी जो कि मेरी फेवरेट एक्ट्रेसेस है गाइस, मतलब मैं इनको बचपन से देखता रहा हूँ, जब ये जस्सी जस्सी कोई नहीं मैं काम करती थी, तो मुझे तो बहुत मजा आया गाइस, बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग कोलकाता से हैं तो लेक मॉल में आप लोग जाके देख सकते हैं, 120 रुपए करके इनका टिकट है, और मतलब अफोर्डेबल है गाइस, अगर ज्यादा प्राइस होता तो मैं भी नहीं जाता,
तो बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। मिलता हूँ मैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।